शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। घूम घूम कर रेड़ी पे कपड़ा बेचना आसान नहीं होता, लेकिन ये काम पवन करते हैं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए करना पड़ता है। हर रंग के कपड़े पवन की रेड़ी से लोग खरीदते हैं, लेकिन कभी कोई काले रंग का कपड़ा पवन की नजरों से गुजरता है तो उनके दिमाग में कई यादें घूमने लगती हैं। ये वही तो रंग है जिसे पहनाकर पहली बार पवन ने किसी को फांसी देने की कला सीखी थी। earshot हिंदी की सीरीज पवन जल्लाद का दूसरा एपिसोड सुन रहे हैं आप। साल था 1989। पवन 20-21 साल के थे। यूं ही दादा ने पूछ लिया, काम सीखेगा? पवन तो जैसे पहले से ही इसके इंतजार में बैठे थे। तपाक से कहा, हां। दादा ने फिर पूछा, डरेगा तो नहीं? पवन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा पहला चांस था। वो कहने का तो क्या, डरेगा तो नहीं मेरे साथ? मैंने कहा, दादाजी मैं डरने का नहीं, आप मुझे जैसे बताएंगे मैं वही करूँगा, तो बस तो ठीक है, अपने रेडी रहे। जैसे मैं देख रहा हूँ, पहले मैं जो कर रहा हूँ उसको चेक करिए, आपके मैं क्या कर रहा हूँ उस पर गौर करिए। फिर जो जिस टाइम झटका लगे तो आप ये देखिए, घबराइए नहीं, प्लेट पर चेक करिए कि वो कैसे गिरा, हिल तो नहीं रहा, तड़प तो नहीं रहा, इस तरह से अपने दिल को थामिए। दादा पोता निकल पड़े पटियाला जेल के लिए। पवन अब तक पवन जल्लाद नहीं हुए थे, लेकिन दादा देश के नामी गिरामी जल्लाद थे, कालू जल्लाद। कालू ने अपने करियर में कई लोगों को फांसी दी। इसमें इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को दी गई फांसी शामिल है। 31 अक्टूबर 1984 बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का महापर्व छठ का आखिरी दिन था। हालांकि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर तैयारियां अलग थीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक खास इंटरव्यू होना था। एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री मेकर पीटर उस्तिनोव मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 9:15 बजे का वक्त था। इंदिरा गांधी तैयार होकर अपने सरकारी आवासीय परिसर के रिहायशी बंगले 1 सफदरजंग रोड से निकलकर उसी परिसर के एक दूसरे बंगले 1 अकबर रोड के लिए निकली, इस बात से बेफिक्र कि अनहोनी होने को है। इंदिरा दोनों बंगलों को जोड़ने वाले गेट तक पहुंची, तभी गोली चलने लगी। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग के कांस्टेबल बेअंत सिंह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। गोली लगने से लहूलुहान इंदिरा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। बेअंत सिंह रुका नहीं, वहां तैनात दूसरे सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह को चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। फिर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से इंदिरा पर फायरिंग शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी कार्बाइन खाली कर दी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उधर सतवंत सिंह गिरफ्तार हो गया, बेअंत सिंह मारा गया, लेकिन अगले 3 दिनों के अंदर 2 और लोग गिरफ्तार किए गए, केहर सिंह जो कि बेअंत सिंह का रिश्तेदार था और बलबीर सिंह जिस पर इस खतरनाक साजिश रचने का आरोप था। और शुरू हुआ जांच और अदालती कार्यवाही का सिलसिला। निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। बाद में ऊपरी अदालत में सबूतों के अभाव में बलबीर सिंह को बरी कर दिया गया। आखिरकार 6 जनवरी 1989 की सुबह 6 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दे दी गई। दोनों को फांसी देने के लिए पवन के दादा कालू जल्लाद को विशेष तौर पर मेरठ से बुलाया गया था। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा और गाड़ी रुक गई।
पवन अपने दादा के साथ फांसी देने मेरठ से जालंधर पहुंच चुका था। ये पहली बार था जब पवन फांसी का काम सीखने वाला था। फांसी में दो दिन बाकी थे और ड्राई रन शुरू हुआ। जैसे ही परेड पाए उन्होंने क्या पैर बांध, हमने पहले एक दिन पहले जो है मीटिंग कर लेते हैं भाई क्या क्या करना है, वह बोलते नहीं हैं, सब अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो फांस फटाफट पैर बांध दिए दोनों के, मैं ठीक है डरेगा तो मैंने कहा नहीं, मैंने फटाफट आया पैर बांध दिया। उन्होंने जो है अपना जो है कपड़ा डाला नकाब, उसने फंदा डाला कि देखो फंदे में ध्यान लगाना मैं किस तरह से डाल लूँ और किस तरह मिलना भाई आपको लेना है फंदा, ठीक है जी। वो भी सब बता दिया उन्होंने कि रस्सा खुलना नहीं चाहिए कभी भी, यही टेक्निक होती है इसकी, चाहे रास्ता टूट जाए बीच में से तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, लेकिन रास्ता ऑलरेडी वहाँ पर बंधा रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। फांसी का दिन भी आया। पवन को पहले ही काम समझा दिया गया था, फांसी की जगह पर कोई बात नहीं करता। पवन को दादा कालू जल्लाद ने इशारा किया, उसने भी बिना देर किए दोषियों के पैर बांध दिए, अपने दिल को मजबूत किया, अपने शरीर और मन को काबू किया और दादा ने लिवर खींच दिया। मन में चल रहा था यार देखो आज पहला चांस है मेरा कि मैं इसको अंजाम दे पाऊंगा या नहीं, मैंने अपने दिल को काबू किया और मैंने अपने शरीर को कांपने से रोका कि आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं चाहता था कि ये क्राइम खत्म। पवन ने पहली बार अपनी आंखों के सामने कोई फांसी देखी थी, किसी की जान जाते देखा था, किसी की जान लेने में हाथ बटाया था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उनको पता था ये सिर्फ उनका काम है और अदालत ने जिन्हें फांसी की सजा सुनाई है खूंखार अपराधी हैं। देखो ये तो न्यायपालिका का ऑर्डर होता हमारे पास, जैसे न्यायपालिका कहेगी तो हम तो उसका पालन करेंगे, गुना या बेगुना है ये तो न्यायपालिका जानती है, जिसने ऑर्डर दिया है सोच समझ के ही करा होगा। न्यायपालिका ने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है हमारे हाई कोर्ट है, सोच समझने के बाद इतने इतने साल बीत जाते हैं बड़े सोच समझ के इस काम को अंजाम देते हैं, तो भी तो भाई अपने किसी वजह से जो जब क्लियर हो जाता है पूरा कि हाँ ये दोषी है वो तभी ऑर्डर देते हैं फांसी का, इससे पहले तो ऑर्डर नहीं देते। मैं जब उसके सबूत सारे खिलाफ हो जाएंगे कि हाँ यही अपराधी है कि इसने क्राइम ऐसा किया है कि ये फांसी के काबिल है, तभी इसको फांसी के कब जो ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निचली कोर्ट तो उसका पालन करते हैं। पहली फांसी के बाद पवन बहुत हद तक अपना काम सीख चुके थे, अपने आप को समझा चुके थे और वो तैयार थे, लेकिन कभी कभी अपने काम में धुरंधरों को भी कुछ सबक सीखने बाकी रह जाते हैं, जैसा पवन के दादा कालू जल्लाद के साथ एक बार हुआ था जब रंगा बिल्ला को फांसी दी गई थी। वो कहानी और पवन की जिंदगी के बाकी हिस्से बताऊंगा अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे ईयरशॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का दूसरा एपिसोड फांसी का पहला सबक। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने, आवाज है संयम शर्मा की और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयरशॉट। पवन जल्लाद। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। earshot, here and now।